आलू की इस रेसिपी को देख करके आप कभी भी इसे बना सकते हो, और इसे नवरात्रि या हो कोई भी व्रत हो, आप इसे हमेशा के लिए बना करके स्टोर करके रख सकते हैं और इसे महीनों खा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, नीतूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए आलू की एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ, और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हो सके तो न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आलू को देख लेते हैं। ये देखिए आलू हमने यहाँ पर बड़े बड़े तीन आलू लिए हुए हैं। आप जितना बनाना चाहें उस हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बड़े साइज के आलू चाहिए। अगर बड़े साइज के आलू नहीं है दोस्तों तो यहाँ पर मीडियम साइज के आलू भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आलू को बहुत अच्छे तरीके से धुलना है, बिल्कुल भी इसमें खाद मिट्टी नहीं लगी रहनी चाहिए। अच्छे से इसे साफ कर लेना है क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं, तो बहुत साफ सफाई से ही इसे बना करके तैयार करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे उपवास होते रहते हैं, और उपवास में हम कभी एक टाइम भी खाते हैं, कभी जो है इसे दोनों टाइम भी हम कुछ हल्का ले लेते हैं, खा लेते हैं। जैसे कि मूंगफली फ्राई कर लिया, मखाने फ्राई कर लिया है, तो उस रेसिपी में आप इसे भी शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हल्का बनता है और इसे कभी भी चाय के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। इसे सुबह भी खा सकते हैं चाय के साथ, शाम के चाय के साथ भी इसे ले सकते हैं। और ये देखिए आलू को अच्छे तरीके से हमने धुल लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। यहाँ पर हमने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं तो हम यहाँ पर 2 कप पानी डालेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ के आलू है ना, तो बॉयल होने में थोड़ा सा समय लेगा। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और व्रत के लिए इसे बना करके आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों इसे आप खा सकते हैं। तो ये देखिए व्रत के लिए बना रहे हैं, तो हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें सेंधा नमक डाल देंगे, और डालने के बाद इसे जो है हम ढक्कन लगा देंगे, और इसे हम जो है आगे बताते हैं कि आपको कैसे इसे बॉयल करना है। तो यहाँ पर नमक हमने इसलिए इसमें मिला दिया है कि जब इसे हम बॉयल करेंगे ना तो नमक बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब इसे आप खाएंगे ना तो बिल्कुल भी इसे आपको खाने में फीके फीके से नहीं लगेंगे। तो चलिए यहाँ प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं और इसे हम चढ़ा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है 1 सीटी हाई फ्लेम पर और 2 सीटी आपको लो फ्लेम पर लेना है, और इस तरीके से आपको आलू को पका लेना है। इसे पूरे तरीके से नहीं पकाना है, जैसे अधकच्चे आलू होते हैं ऊपर से कुक हो जाते हैं, अंदर से थोड़े से कच्चे रहते हैं ना, तो 20% अंदर से कच्चे आलू रहने चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आलू जो है पक चुका है, और ये देखिए प्रेशर इसका निकल चुका है। तो हम आपको दिखाते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर चाकू लगा करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए चाकू को थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो ऊपर से ये आलू पक चुका है, अंदर से ये आलू थोड़ा सा कच्चे हैं। बस इसी टाइप के हमें आलू को तैयार करना है, और अगर मीडियम साइज़ के आलू आप बना रहे हों तो फिर आपको उसमें 2 सीटी ही लगाने हैं, 1 सीटी हाई फ्लेम में और 1 सीटी लो फ्लेम में। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आलू को उबालने के लिए इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोग कोई व्रत ऐसा है जिसमें नमक नहीं खाते हैं तो आप इसे बिना नमक का भी बना सकते हैं, और वैसे भी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं चाय के साथ में। तो अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई रेसिपी को अपलोड करें इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये देखिए यहाँ पर हमने आलू को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलू को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, बस इसे थोड़ा सा गुनगुना है अभी इसे रखना है। जब गुनगुना होगा तभी हम इसे छीलना शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए आलू जो है ठंडा हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से ये ठंडा नहीं है। तो जब ये गुनगुना रहे ना तभी इसे छीलना शुरू कर दीजिएगा, तो इसे अच्छे तरीके से ये छील सकते हैं। और ठंडा होने पर थोड़ा सा छीलने में दिक्कत आता है, फिर अगर ठंडा हो गया है तो फिर उसे आप चाकू की सहायता से छील लीजिएगा। तो इसी तरीके से हम जो है अपने सारे आलू को छील करके तैयार कर लेंगे। तो आलू को आपको आधा कच्चा आधा पक्का क्यों उबालना है इसको हम आपको आगे बताएंगे। तो आप बने रहें हमारी जो है रेसिपी में, फुल वॉच करें और रेसिपी को फुल इंजॉय करें दोस्तों, जिससे कि आपकी रेसिपी अच्छी बने और रेसिपी आपकी ख़राब ना हो। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर कद्दूकस लिया है, तो कद्दूकस में ये देखिए छोटा वाला जो भाग है इस तरीके से, और ये बड़ा वाला भाग है इस तरीके से। तो इस तरफ से ही हम जो है आलू को कद्दूकस करेंगे। तो ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक पॉलीथीन बड़ी सी मैंने बिछा लिया है, और इसमें कोई तेल वगैरह नहीं लगाना है आपको। सिर्फ आपको यहाँ पर जो है आलू को ये देखिए इस तरीके से लेना है, ऊपर से लेकर के नीचे तरफ घिसते हुए पूरे आना है आपको, और बड़े बड़े इसके लच्छे निकालने हैं। जितना बड़े लच्छे निकाल सकते हैं ना उतना बड़े लच्छे इसके निकालिए, और इसे थोड़ा सा दूरी बड़ा बना करके इस लच्छे को निकालिएगा। और लच्छे को जब भी आप बनाएं ना तो बिल्कुल इसको छेड़िएगा नहीं, और बस जैसे जहाँ निकल रहा है उसी तरीके से आप इसे आलू को घुमाते जाइए और लच्छों को निकालते जाइए। तो यहाँ पर ये देखिए खूब अच्छे अच्छे से इसके आलू के जो ये लच्छे होते हैं ना वो निकल जाते हैं,
और इसे आप धूप में भी बना सकते हैं, इसे आप रात में पंखे की हवा में भी बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि आलू को आधा कच्चा आधा पक्का क्यों उबालना है। तो यहाँ पर जो है आपको आधा कच्चा और आधा पक्का आलू इसलिए आपको उबालना है क्योंकि जो आलू होते हैं ना, जब अगर पूरी तरीके से आप इसे बॉयल कर देंगे तो लच्छे जो है अच्छे से बड़े बड़े नहीं निकलेंगे, आलू जो है गल जाएंगे। और इसे आधा कच्चा आप उबालेंगे और आधा पक्का उबालेंगे तो ये आलू बहुत अच्छे लच्छे निकलते हैं और लच्छे बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते हैं। और यहाँ तो मैं पंखे की हवा में इसे बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे धूप में बनाइएगा, तो धूप में जब इसे बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी ये लाल नहीं पड़ेंगे और बहुत ही सफ़ेद सफ़ेद से ये बन करके तैयार होंगे। और इसे आप एक दिन के अंदर बना करके सुबह से शाम तक की धूप में बढ़िया से इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए सूख जाने देते हैं इसे, फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसे व्रत में ही नहीं बल्कि आप इसे ऐसे भी बना करके रख सकते हैं। जब कभी हम सब्जी वगैरह छौंकते हैं ना, तो इससे पहले लगता है कि लाइए थोड़ा सा कुछ इसमें छान उन लेते हैं, खा लेते हैं, तब भी इसे आप छान करके खा सकते हैं। और ये देखिए, इसे बना करके हफ्तों इसे डब्बों में भर सकते हैं, महीनों इसे चला सकते हैं। तो ऐसा सूखा जो है नाश्ता अगर इस तरीके से बना लेते हैं, इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। और व्रत में आप इसे बना करके ज़रूर इसे इंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को। और इसे जब आप फ्राई कीजिएगा तो इसमें काली मिर्च का पाउडर और इसमें लाल मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक ऊपर से, और भी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आप इसमें मिला करके खा सकते हैं। और अगर व्रत नहीं खा रहे हैं, आप इसे ऐसे ही खा रहे हैं, तो इसमें आप चाट मसाला वगैरह डाल दीजिए, बहुत ही चटपटे बहुत ही मज़ेदार जो है ये खाने में लगते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये लच्छे हमारे बने हुए हैं। और इसे आप जो है ज़रूर बनाकर ट्राई करना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बन करके तैयार होता है, लेकिन हाँ ये है बहुत ही मज़ेदार, खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा। तो चलिए हम इसे आपको थोड़ा सा फ्राई करके भी दिखाते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, बनाइए और एयर टाइट डिब्बे में स्टोर कीजिए, जब मन हो तब इसे इंजॉय कीजिए। तो चलिए आपको फ्राई करके अब दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं और आशा करते हैं कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो एक छोटा सा लाइक भी अपना दे दीजिएगा। तो ये देखिए, हम आलू के लच्छे को छान करके आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कितना वाइट वाइट ये बन करके तैयार हुआ है। और इसे पंखे की हवा में फैलाया था ना, तो हल्के से ये लाल पड़ गए हैं, लेकिन अगर आप इसे धूप में फैलाएंगे तो बिल्कुल भी ये लाल नहीं पड़ेंगे और वाइट वाइट ही बन करके तैयार होंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा कुरकुरे लगते हैं। और जैसा कि होली आने वाली है दोस्तों, तब होली के लिए भी आप इसे तैयार कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, और ख़राब ये होने वाले नहीं है। जब भी जो है मेहमान आए, इसे आप तुरंत गरम गरम छान दीजिए और ये इतने क्रिस्पी रहते हैं, सॉफ्ट होते ही नहीं है। बढ़िया से इसमें आप नमक मिर्ची डालिए और इसे इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, अगर सप्ते के जो व्रत पड़ते हैं, अगर उस व्रत को भी आप रखते हैं तो उसके लिए भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल आपके लिए रहेगा। और बच्चों को भी फ्राई करके दे सकते हैं, बच्चे को बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी लगेगी। और कुरकुरी कुरकुरी देखिए कितनी अच्छी लग रहे हैं, मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। तो एक बार बनाइए, इंजॉय कीजिए। हम फिर मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।